जी संयोगिता जी, आप न्यू कॉलोनी पलवल से है, ठीक है, और आप मेरे पास आए थे 8 अक्टूबर को इस साल, और आपकी शिकायत दो मेन थी, एक तो चक्कर आते थे आपको और दूसरा नींद खूब आती थी आपको, ठीक है, और मैंने आपको ये सुप्रज्ञा पिलाया है, थोड़ा सा पेट साफ करने की मेडिसिन दी आपको, राइनाइटिस भी थी, नजला जुकाम रहता था, छींक आती थी, नाक बहती थी, है। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले आपके चक्कर 5 साल से जो आ रहे थे वो कितने हैं? सर अब बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। 100% ठीक हाँ है। जी बिल्कुल, पहले आपको कितने फ्रिक्वेंटली चक्कर आते थे, मतलब कितने दिन पे? लगातार ही आते थे सर। लगातार आते हाँ जी रहते थे? लगातार आते, उठती थी बैठती थी, सिर घूमता था, तो मतलब लगातार ही आते थे, दिन रात आते थे। दिन रात चक्कर आते थे हाँ आपको, तो जी, आपने इलाज तो कराया होगा कहीं पे 5 साल में? 5 सालों से सर, एस्कॉर्ट फरीदाबाद में, हाँ, QRG फरीदाबाद में, और भी एक दो जगह करवाया था, लेकिन बहुत थोड़ा आराम मिलता था, कभी मतलब क्योर कहें या हम वो नहीं बात हो पाए, अब आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो बिल्कुल आराम मिला प्योर। है हाँ जी बिल्कुल, वो मतलब एस्कॉर्ट फरीदाबाद और इन सब से कहीं नहीं मिल मिला सर, नहीं कहीं नहीं मिला मिला, है। कहीं नहीं अच्छा, मिला। दूसरी चीज, नींद जो बहुत आती थी वो मेरे ख्याल से थकावट की नींद होगी, जैसे थका रहता है हाँ आदमी। जी, आलस जैसे पड़े रहो सारा दिन, लेटे रहो, काम मत करो, इस अच्छा, तरह का रहता था सर। और अब? अब सर बिल्कुल, जो मैं इस प्रॉब्लम से पहले, जो मैं नॉर्मल लाइफ थी पहले, बिल्कुल वैसे ही हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं अभी सारा दिन काम आपको करो लगभग काम। 2 महीने हुए हैं मेरे पास आते हुए बस। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, और ये जो साइनस की प्रॉब्लम थी, जुकाम थी, वो कैसी वो है? भी ठीक है सर, अब बिल्कुल। वो भी ठीक है। हाँ ये बताइए कि आप संयोगिता ये कहेंगे कि हमारा जो अपना भारत देश का जो पुरातन आयुर्वेद है वो आज भी बढ़िया है, श्रेष्ठ जी है? बिल्कुल, मैं तो इस बात को बिल्कुल कहूंगी कि जो हमारी सनातन परंपरा है आयुर्वेद की, ये हाँ, बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल यही सही है। अब ये बताओ कैसे लोगों को लेके आए, उन्हें कैसे विश्वास दिलाएं कि आयुर्वेद अच्छा सर आ रहे हैं अब तो धीरे धीरे है? लोगों का धीरे धीरे झुकाव। है जी बिल्कुल, ये झुकाव बढ़ रहा है पूरी बताओ, तरह तेजी से। से कैसे आ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं सर, अब लोगों का विश्वास बढ़ा है आयुर्वेद के प्रति। हैं, हाँ जी, पढ़े विश्वास लिखे बढ़ा? लोग भी का मतलब पढ़े लिखे लोग ज्यादा आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं, हाँ, अब लोग समझने लगे हैं समझने लगे हैं एक्चुअली लोग इस चीज कि को। बहुत दिक्कत है एलोपैथ हाँ, में। और क्योंकि देखो देखो आप, हाँ एलोपैथी जो है सर, बीमारी को कंट्रोल तो कर देती है लेकिन क्योर नहीं कर पाती, और अच्छा चलो, आयुर्वेद आपने ये क्योर बात करती कही कि है। कंट्रोल कर देती है, मैं तो ये कहता हूं कि देयर आर कंडीशंस जहां पे एलोपैथिक मेडिसिन कंट्रोल भी नहीं कर पा रही, हाँ और जी आयुर्वेदिक बिल्कुल, मेडिसिन कंट्रोल करने के साथ साथ क्योर भी क्योर कर कर देती क्योर है। भी कर आप देती ये है। बताओ कि इंग्लिश दवा खा के भी चक्कर तो ठीक नहीं थे नहीं ना, चक्कर नहीं ठीक हुआ सर मेरे, बिल्कुल भी कुछ मतलब थोड़ा बहुत तब तो आराम था कंट्रोल भी नहीं लेकिन। हुआ। तो इसलिए जो ये एक गलत फहमी लोगों की बनी हुई है कि साहब कंट्रोल के लिए तो जाना ही पड़ेगा तुरंत एलोपैथ में, तो आप जो है प्लीज इस भ्रम को अपने दिमाग से निकालिए, अपना जो पुराना आयुर्वेद है उस पे विश्वास कीजिए, श्रद्धा रखिए। मैं एक आयुर्वेदिक स्कॉलर होने के नाते लगभग 20-22 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने के नाते आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा अपना आयुर्वेद, अपने देश का आयुर्वेद, अपने ऋषियों द्वारा दिया गया आयुर्वेद वो श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। बस हमें चाहिए आपका समर्थन, आपका सपोर्ट और आपका विश्वास। अगर आप हमारे साथ लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हम बेस्ट ऑफ आयुर्वेद जो है आपको दे पाएंगे। संयोगिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ थैंक यू रखे। सर।